गाइस आप कैसे हैं? ठीक है। अभी हम लोग स्कूल जा रहे हैं और अभी मम्मी यहाँ पे बुर्का पहनी है और हम लोग जैसे स्कूल जाएंगे फिर ही आपके साथ देखेंगे, क्योंकि अभी मैं मम्मा जैसे हम लोग आएंगे ना वैसे मैं मम्मा की जैसे मम्मा रोटी बना लूँगी मैं आपको वो दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जाएंगे। हाँ दुआ को भी लेके जा रहे हैं, सच से दुआ। मैं तुम्हारा पानी बोतल में डालू मम्मा? हाँ, और मेरा बैग पड़ा हुआ पता नहीं कहीं। और फिर हम लोग आपसे रूटीन के साथ मिलेंगे। बाय। और कर जाएगा काफ़ी सुबह सुबह जो है ना रश वगैरह और ऐसे रिश्ते ना ये हो गया कि आप जो है ना अब जो है ना गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि अच्छी खासी दिखते हैं धूप धूप नहीं हुई है आज की तरह में तो अब ये होती है। और यहाँ पर ये मैडम मुँह ही बना के रहती है, हर टाइम मुँह बना होकर दोबारा नहीं मेरे को। और जो है ना जो आता है बंदा वो जो है ना अभी सो रहा था मुझे दुआ रानी जो तुमने पूछा है मुझे पता है तो मैं उसको उठाती तुम्हें उठाती। क्या हुआ गर्मी लग रही है धूप हाँ। लग रही है हाँ। अच्छा अपनी बेटी को छोटी सी को ले दें तो क्या बोलते हैं अम्ब्रेला ले दें छोटी सी कौन सी छोटी सी हाँ। जिसमें जो है ना फिर मेरी बेटी उठा के ना आएगी हाँ हर बात में यानी जी भी बोल जाते जी जी पानी खोल के ना हम अभी लेके दे रही हो क्या वो वही ये जो है ना बाबा भाई के साथ जा रही है हम जाकर नाश्ता करने के बाद जो है ना अब हमारी चाय आ गई। और आज देखे कप भी बिल्कुल छोटा सा है और मैंने ली भी बहुत कम चाय क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने कहा क्यों ना जो है ना चाय कम कर दूँ शायद इससे तबीयत में कुछ सुधार आ जाए। तो बस आज से मेरी चाय कम होगी, मतलब दो टाइम पीती हूँ लेकिन बड़ा मग पीती हूँ, लेकिन आज से छोटा कप और कम चाय। ये दीवारों पे ये वाला पंदा जो है और मैं बैठ कर सूरज फूक रहा यहाँ पे। ये देखिए इसे गिरने का ना फुल इरादा किया हुआ गंदी बच्ची मम्मा का हैंड पकड़ कर जाते हैं। चलो चलो बिस्मिल्लाह। और ये यहाँ पर है और हमजा नीचे उतरेंगे बस इनको ट्यूशन छोड़ती हूँ और फिर जो है ना बुरी बात है ऐसे गिरी ना तो चोट बड़ी गंदी लगेगी बेटा। सलाम किया था सुबह? अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? हम सब ठीक है, आप सुनाओ आप कैसी हो? ये को मामा मैं जगह से चप्पा में उतला। इसकी ना फुल हरकतें जो होती है ना लड़कों वाली होती हैं। करो चोट लगी तो वैसे भी गिर जाती हो कभी कभी। अच्छा ये चलो देर इसलिए लगी है ये देखो दुआ कैसे आहिस्ता आहिस्ता उतर रही है, ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता उतर रही है। अभी आपको क्या लेना है हमजा? चीज नहीं कॉपी। चलो कहाँ आ जाओ इसके जो शूज खुल जाते हैं ना। चलो और भी ये जो है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है, आटा गूंदा है तो उसमें भी इतना वो कर रहा है। ये देखो मस्जिद को ये आके ऐसे हाथ लगा के वो करती है और वो आज छोटी भी वैसे। चले जी अच्छी बात है। और यहाँ पर ये दोनों जो है ना आगे वाले अंकल से पूछो अगर कॉपी है तो फिर आपको ले दे। तो यहाँ पर जो है ना हमजा की कॉपी नहीं थी इंग्लिश की। सीधी चलो सीधी चलो गिर जाओगी काम पे। और ये जो टेबल थी ना हमारे घर थी और मैंने इसके ऊपर जो है ना कवर चढ़ाया फिर वो भी फट गया। सुमेरा के ऊपर से दुपट्टा लगाया था, देखिए अभी तक वो पड़ी हुई है और दुपट्टा सुमेरा का वैसे आज सुमेरा को बताती तुम्हारा दुपट्टा अभी तक मशहूर पड़ा हुआ है यहाँ पर। मौसम देखिए बहुत ही प्यारा है, खास करके बादल जो है ना बहुत ही प्यारा मौसम है। और ये इस टाइम जो है ना तीन तलवार का ये वाला जो है ना माहौल चल रहा है, काफ़ी रश है और मैं बस थोड़ा सा मेरे
हमारा बाहर थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी, दुआ भी काफ़ी दिन से बाहर नहीं, तो बस ये जो है आराम से तो जी बस मेरी आधी क्लास रहती थी तो फिर मैं आ गई, क्योंकि फादिया और जो है ना हमजा का टाइम हो गया, उनको लेते हैं घर चलते हैं। और मेरे नकाब भी सही नहीं लगाया, देख लें। तो बस जैसे ही बच्चे आते हैं यहाँ पे लगते स्कूल का कोई काम हो रहा है, घर चलते हैं। और आज जो है ना 4:30 की निकली, अभी मैं 6:00 पर घर जाऊँगी। और दुआ भी सो गई है, उसे भी उठाया हुआ, और बच्चे आए तो फिर हम लोग जाएँ घर। ऐसा लग रहा है जैसे ना मैं सुबह से पता नहीं कितने दिन के बाद घर जाऊँगी। कभी कभी ऐसा होता है लेकिन नहीं, बाहर गए थोड़ा सा अच्छा लग रहा, फ्रेश दुआ भी काफ़ी, वो कितने दिन से बाहर नहीं गया तो ये भी वो कह रही थी कि जाना है, तो मैंने कहा चले जाते हैं। मेरा कौन सा घर पे बच्चा रो रहा है, बच्चा जो था वो हाथ में था, तो बस फिर आ गए बच्चे देखे साइकिलिंग कर रहे हैं। और मैं रोज़ जाती हूँ तो रोज़ बच्चा पूछता है अली का, कि जो वहाँ पे वो मालिक मकान पे शाह साहब, उनके बच्चे रोज़ पूछते हैं कि जो है ना अली का भाई है। तो मैंने कहा भाई अली का जो है ना कोई नहीं, और ये देखिए हेलो स्टार भी मिला है। चलो भाई ये देखो इतना बड़ा स्टार, मुझे लगता है कि ना इस दफ़ा भी A+ आएगा पक्का। स्टार जो मिला, स्टार मिला है, तो ये देखो इसको भी मिला। फिर से फेंकोगे? नहीं। गंदी बच्ची, बाल तो अपने कट करवा लो प्लीज। नहीं करवाने? क्यों, गंजा नहीं करवाना? बस थोड़े से कटिंग करो दे, तू ले से कर लो। ओके नहीं करो। ये चाबी बार बार नीचे फेंकती और मैं उठा रही हूँ, और ये टेबल पर चढ़ी हुई है। मैडम आ रही हूँ, आप नहीं, आप ऊपर आओ पहले, मैं आपको उठाऊंगी। ये देखो बैठ, बाहर जा रहे थे तो मैंने इसे भी नीचे से लेगी पहना के सॉक्स पहना दिए, फ्रॉक के ऊपर जैकेट डाल दिए, उनका बाहर जा रही है ठंड होगी। तो बस देखे आ जाओ तुम दोनों मैडमो। ये जो है ना खाला भांजी अपने डिस्कस कर रही है कि इन्होंने क्या करना है। क्या कह रही थी बातें? कुछ कुछ बातें तो थी, मैंने आधी सुन ली थी। ये जो तुम मम्मा को बोल रही थी ना, ये मैंने सुन ली है, आधी बातें मैंने सुन ली है। हाँ हाँ चलो चलो, अभी जो है ना 1 हफ्ते के बाद आपके न्यू शूज आ जाएंगे पक्का। हाँ। अच्छे बात, पिंक वाले ने ये चप्पल जो है ना है तो न्यू, लेकिन जो बाहर जाती हो ना मिट्टी लगती है तो ये खराब हो जाती है, तो इसे रोज वॉश करना पड़ता है, तो कर लिया करो वॉश। वॉश के पैसे भी हैं वॉशिंग के, अपने हाथों से वॉश कर लिया। नहीं। इसने जैकेट उतार दिया और वो उसके उठाया, मैं इसके पीछे पीछे बस आप पीछे आ जाओ। और यहाँ पर ये हमजा, और उसके पीछे जो है ना दुआ रानी, ये बेचारी मुफ्त में ऐसे चलती रहेगी। दुआ क्या हुआ जी? और जो है ना चांद भी जो है ना हमारे साथ साथ जो है ना सफर कर रहे जी। मम्मा गिरी नहीं हो, ऐसे ड्रामा नहीं करना जी। इसके अपने ही होते हैं नखरे जी। आराम से। हम जो है ना तीन लोग अपना जो है ना घूम रहे हैं, और ये मैडम यहाँ पे बैठ, क्या खाना है? वो खाना है? नहीं वो नहीं खाना। चलो फादिया चले पीछे, चलो पीछे की साइड पर। हाँ चलो चलो, आपने जैकेट बस इस से पीछे आ गए, इस वाली जगह से। हाँ तो ये वाली जगह से फिर पीछे चलते हैं ना, नहीं आगे नहीं जाना।
वहाँ पर जो है ना हमजा आ गया नीचे नीचे ना, इसको अब सिखा रही है, पकड़ के चल रही है। वो देखो दुआ को देखो, ए दुआ, ए दुआ। ममीर वो देखो डॉगी जा रहा है, वो देखो कमाल कर रहे हैं, बच्चों को दिखा रहे हैं कि ये देख, ये देख, ये देख। ओ बोल रही थी ये देखो गुलाब है ना, इससे ना सारे हमारे मसाले उनके पसीने से खुशबू, उनके पसीने से ये गुलाब बना था। हाँ कब आप उठाने जा रही हो? हाँ। तो चलेंगे उठा सके दिखाओ, मैं उठाती हूँ, रुको आप गिर जाओगे, रुको दोबारा नहीं कहाँगे खड़ी नहीं 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 गिर जाओगे, रुको मैं ले चलती हूँ। हमजा कहाँ जा रहे हो बेटा? और यहाँ से हमजा ने उठा जो है ना, बाबा भाई गए हुए हैं कुछ सामान लेना था इम्तियाज पर, और हम सब जो है ना यहाँ पे गाड़ी में बैठे हुए, काफ़ी रश है काफ़ी यहाँ पे, तो हमें टाइम भी काफ़ी लगा, गाड़ी की पार्किंग ही नहीं मिल रही थी। नोमीर जी आज हमारे घर में बन रहे बॉयल एग और जो है ना आलू, तो उसके लिए ये देखिए छोटे छोटे से मैंने जो है ना मिले ही ऐसे, थोड़े से टमाटर ले लिए पाँच अदद, पाँच अदद भी प्याज थे छोटे छोटे, हरी मिर्ची और साथ में लहसुन और अदरक का, और इनको जो है ना मैं मशीन में डालती हूँ, इनको ब्लेंड कर लेती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया बाहर चले गए थे, तो फटाफट से इनको बनाती हूँ। और आज हमारे घर में एक न्यू चीज़ भी आई है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला, लाल मिर्च गरम मसाला, हल्दी और नमक इसको डालते हैं इसके अंदर, और जो है ना ऐसे चम्मच चला के फौरन से ही ना हमने ये मसाला इसके अंदर ऐड कर देना जो हमने टमाटर प्याज वगैरह वो किए थे। अब इनको अच्छे से करते हैं और साथ में ना मैं टमाटर भी कर लूँगी और जो है ना फिर वो डालते हैं ताकि इसी पानी में ना जो आलू गल जाए, फिर हम अपने दूसरे चूल्हे पे ना जो आज हमारे घर आया है उस पर जो है ना मैं अंडे बॉयल करना छोड़ देती हूँ। इसको जो है ना तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब जो है ना मैंने रखे हुए थे भिगो के जो है ना पानी में आलू डाले हुए थे, तो अब मैं इसके अंदर आलू डाल देती हूँ और फिर जो है ना मैं इसको कवर कर दूँगी। कवर करने के बाद जो है ना मैं दूसरे चूल्हे पर जो है ना अपने जो है ना वो एग जो है ना वो बॉयल करने के लिए छोड़ देती हूँ, तब तक ये भी हो जाएंगे वो भी हो जाएंगे। ये देखें हमारा चुनू सा जो है ना न्यू सिलेंडर आ गया, तो अब जो है ना इस पर जो है ना मैं एग जो है ना बॉयल करने के लिए छोड़ देती हूँ। ये रहे हमारे एग, तो बस अब इनको जो है ना ऐसे तो नहीं पकेंगे, साफ ज़रा आग जलाऊंगी तो पकेंगे ना। ये बेचारे भी कह रहे हैं हमें पानी में डाल के भाजी आपने छोड़ ही दिया, हमारा भी कुछ कर लें, अंडों को पकाते हैं उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, तो फुल आँच पे मैंने इनको छोड़ा हुआ था, मतलब ये ना हो कि आलू ज़्यादा गल जाए, तो मैंने बीच में कट करके 3-4 हरी मिर्च ऐसे डाल दिए, अच्छी लगती हैं। लेकिन आलू जो है ना काफ़ी हद तक हो चुके हैं, मैं सभी आग हल्की कर देते हैं और जो है ना इसको अच्छे से भून लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें अंडे ऐड करेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और मैंने ऊपर से हल्की सी जो है ना कसूरी मेथी डाली है। अब जो है ना मैं इसमें इसको अच्छे से मैंने भून लिया, तो अब इसमें तकरीबन ना कप का चौथाई हिस्सा पानी डालूंगी। ये बहुत ही गाढ़े हो चुके हैं क्योंकि मैंने इसको भुना इन्हीं के पानी में और उसी ग्रेवी के पानी में, और एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला, तभी और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डालती हूँ और फिर उसके बाद आपको जो है ना एग भी बॉयल हो चुकी है, तो सालन भी रेडी है, तो उसको डालती हूँ इसमें, और जो है ना 5 मिनट में थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आके ना आटा भी गूँधना है, आटा मैंने नहीं गूँधा, तो आटा गूँधती हूँ फिर रोटी बनाएंगे। तो ये देखिए रेडी हो चुके हैं, बस अब इसकी आग भी बंद कर रही हूँ, काफ़ी हद तक शोरबा जो है ना गाढ़ा हो चुका है, बस इतना ठीक चाहिए इससे ज़्यादा फिर नहीं। जो है ना हमारी रोटी बन चुकी है, तो बस अब रोटी खाते हैं उसके बाद चाय पियेंगे और फिर सो जाएंगे क्योंकि सुबह बच्चों का स्कूल है, तो फिर थोड़ा सा मसला होता है। आज मैंने दुआ को सुला दिया, उसके बाद जो है ना मैं रोटी खाने लगी हूँ, तकरीबन 12:11 है मैं ये रात की रोटी खा रही हूँ। और आ गई है हमारी चाय, जो बज चुके हैं रात के 12:45, तो सुमैरा ने फिर से है ना मुझे मग भर के चाय दे दी, मैंने कहा चले कोई ना पी लेती हूँ। और सुमैरा बहन आज तुमने चाय सही से नहीं छानी, पत्ती है चाय के अंदर, हाय अल्लाह। देखे मेरी बहन के काम देखे, मुझे पत्ती वाली चाय देती है, कोई ना पी लेते हैं। तो चलें जी आज की हमारी वीडियो जो है यही पे एंड करते, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, आने वाले वक्त का कोई पता नहीं होता कि कब कैसा हो, बस हमेशा हमें अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा
रहना चाहिए और अच्छे पारी अमल करना चाहिए जो है ना। बस और कुछ नहीं, यही है कि अपनी बहन के लिए दुआ करें कि आने वाला वक्त जो है ना बहुत ही अच्छा हो। तो इसी के साथ अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। कल बस थोड़ी सी देर बाहर गए, अच्छा लगा, और उसके बाद फिर घर आए, फिर बाहर गए, फिर घर आई। कल मतलब सारा दिन जो है ना अच्छा गुजरा अंदर बाहर से। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग में नई उम्मीदों के साथ। हर दिन हर सुबह एक नई उम्मीद, तो उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अल्लाह पाक जो है ना हमारे लिए जो भी करता है अच्छा करता है और अच्छा ही आगे करेगा इंशाल्लाह। उम्मीद है मुझे मेरे रब पर कि मेरा रब कभी भी मुझे अकेला और तन्हा नहीं छोड़ेगा। ये कोई मेरी नेकी थी कि आप सब लोग जो है ना मेरे लिए इतनी दुआएं कर रहे हैं, इतना साथ दे रहे हैं, कहाँ कहाँ से पता नहीं लोग मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं। कोई नेकी है मेरी ऐसी थी कि मुझे आज जो है ना काम आ रही है वो आप सब की सूरत में, आप सब के साथ की सूरत में, आप सब के सपोर्ट की सूरत में, आप सब जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं उस सूरत में, मतलब हर एक चीज़ में, हर एक मुझे लगता है कि ना कोई नेकी थी जो काम आ गई है। आप सबकी दुआओं में, लाइवों में लोग दुआएं कर रहे हैं, जो मेरे लिए वीडियो बनाते हैं वहाँ पे जाकर लोग मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं, तो ये भी मेरे एक रब का जो है ना बहुत ही बड़ा, क्या बोलो, समझ नहीं आ रहा। बस शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे ये टाइम भी दिखाया है। तो अच्छा टाइम भी आएगा, जब पहले का अच्छा टाइम नहीं रहा तो अब ये बीच का भी नहीं रहेगा, आगे बहुत अच्छा टाइम आएगा इंशाल्लाह बच्चों के साथ। बस मेरे बच्चों के लिए यही दुआ है कि तीनों बच्चे जो है ना कामयाब हों, कामयाब रहें, ज़िंदगी की हर मुश्किल आसान हो इनकी, और जो जो भी ये बनना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, इनके हक में जो बेहतर है बस वही हो। मेरी यही तीनों बच्चों के लिए दुआ है।